सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे। आहे तुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों सुनो, मनुष्य का परम धर्म तो यही है कि भगवान के प्रति उसको भक्ति करना चाहिए, और भक्ति अहेतुक होनी चाहिए, अप्रतिहत होना चाहिए, जिससे उसके चित्त की निर्मलता हो, चित्त की शुद्धि हो। भक्ति तो करते हैं हम लोग, सर्वता सकाम भक्ति का शास्त्रों में निषेध नहीं है, पर उच्च कोटि के साधकों के लिए सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति करो, पर भक्ति में कभी डिमांड मत रखो, कोई कामना मत रखो। अलग अलग इष्ट देव से लोग भक्ति तो करते हैं, पर शर्त पहले लगाते हैं। हनुमान जी महाराज पैदल यात्रा चल करके आएंगे, दर्शन करेंगे, खाटू श्याम जी अवश्य दर्शन करने के लिए आएंगे, पर हमारा काम पहले होना चाहिए, बच्ची की शादी होना चाहिए, बच्चे को धंधा लगना चाहिए, पुत्र वधु की गोद भरनी चाहिए। काम हो गया तो दर्शन करने के लिए आएंगे, और यदि कदाचित सालासर जी ने ध्यान नहीं दिया, खाटू श्याम जी ने ध्यान नहीं दिया, दर्शन करने जाओगे, पदयात्रा करोगे, शर्त लगाओगे, सवा मणि चढ़ाएंगे, काम हो जाए तो, और न हो तो एकादशी करते रहना बाबा मंदिर में। ये कौन सी भक्ति है भाई? अहेतुक की अप्रतिहता। भक्ति अहेतुक होनी चाहिए, कोई शर्त मत लगाओ। और भक्ति में अखंडता होनी चाहिए। मौसम की भक्ति ना करो कि नवरात्र आ गई भक्ति जग गई, एकादशी आई कि भक्ति जग गई, मंगलवार आया कि भक्ति जग गई। भक्ति अखंडित होने चाहिए। ये भीतर का प्रेम है, प्रभु से अटूट प्रेम, अखंड प्रेम होना चाहिए। उसी से चित्त की शुद्धि होती है। मनुष्य का जीवन भगवान के भजन और भक्ति के लिए मिला है। जितने साधन मिले हैं वो भगवान के लिए मिले हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।